सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम है, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और वीडियो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग जल्दी बन जाते हैं और कुछ लोग बहुत लेट बनते हैं और देरी से बनते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपने घर से सूटकेस लेके, टाई वाई लगा के, बेल्ट लगा के, जूता वूता पहन के अच्छे से ड्रेस कोड में निकला। निकलने के बाद जैसे वो शहर की ओर जाता है तो गांव में थोड़ी सी दूर चलने के बाद उसको एक नाली मिलती है, गंदी नाली। और गंदी नाली मिलने के बाद में जो है वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद में सोचता है कि मैं इस नाली को कौन से एंगल से कूदूँ ताकि आसानी से कूद जाऊँ। अब वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, बोला कि इस नाली को मैं 60 अंश से कूदूँ, 70 अंश से कूदूँ, 80 अंश से कूदूँ, यानी कि कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, यानी कि सोचता रहता है। वो सोचते सोचते जो है एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट वेस्ट करता रहता है, यानी कि खड़े हुए उसको जो है वो एक घंटा हो जाता है, लेकिन उसका एंगल ही पूरा नहीं होता है। तो इतने में क्या होता है कि पीछे से एक देहाती इंसान आता है, धोती पहन के, बुजुर्ग टाइप में। अब वो आता है, उसने एक भी सेकंड जाया नहीं किया, उसने धोती उचकाई और फटाक से कूद गया। थोड़ा यहां ध्यान सुनना कि वो व्यक्ति आता है, धोती उचकाता है और एक भी मिनट बिना सोचे समझे फटाक से कूद जाता और चला जाता। तो यहां पर पढ़ा लिखा इंसान जो था वो ये सोच रहा होता है कि मैं यहां एक घंटे से खड़ा हूं पिछले, और मैं एंगल लगा रहा हूं कि इस नाली को मैं 60 अंश से कूदूं, 70 अंश से कूदूं ताकि आसानी से कूद जाऊं और मेरे कपड़े खराब ना हो। अभी व्यक्ति आया, बिना सोचे समझे धोती उठकाई, फटाक से कूदा और चला गया, इसने एक भी सेकंड जाया नहीं किया। तो सेम दैट हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग आते हैं और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे बनते हैं और हर जगह वो अपना दिमाग लगाते हैं, यानी कि बाहर की दुनिया का वो साइन थीटा, कोस थीटा, बाहर की एजुकेशन जो है वो आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में लगाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, पैसा कहाँ जाता है, लोग कितना कमाते हैं, ये सारी जो है वो एंगल वो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ही लगाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति आता है, कम पढ़ा लिखा होता है और वो आने के बाद पूछता है अप्लाई क्या करना है। तो अप्लाई बोलता है कि लिस्ट बनानी है, अप्रोचिंग करनी है, डायरेक्ट लगाना है, प्रमोशन लेना है, एसपी करना है या बिजनेस करना है, सारी चीज़ें बताता है। और बताने के बाद वो उसी पर अमल कर लेता है, यानी कि जो अप्लाई ने बताया उस पर फटाक से काम किया और तुरंत उसका प्रमोशन हो गया। यानी कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति आने के बाद ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, वो लोग एंगल लगाने के बाद ही जब सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, मुझसे कम जानता है, कम एजुकेटेड है, और ये व्यक्ति आया और काम करा और प्रमोशन ले लिया, तब पढ़ा लिखा इंसान ऐसे लोगों को देखने के बाद तब बोलता कि यहाँ पर दिमाग लगाना अच्छी बात नहीं है, फिर उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता, तब उसका प्रमोशन होता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो आपके पहले के अप्लाई लोग आए हुए हैं, जैसा वो बताते हैं, जैसा वो सिखाते हैं, आप सेम वैसा करते जाइए। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है और हर जगह अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। जैसा अप्लाई बोल रहा वैसा काम करो और आप देख लीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।